नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको ई रिक्शा एक आई हुई है उसका एक तरफ झुका हुआ रहता है, क्या कारण है मैं उसे सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सामने एक ई रिक्शा आई हुई है जिसका एक तरफ का पोर्शन हमेशा झुका हुआ रहता है। जो चालीस गाड़ी चलाता है तो बहुत समस्या होती है, उसे ऐसा लगता है कि गाड़ी पलटी खा जाएगा। मैं ड्राइवर साहब से पूछता हूँ उसकी क्या दिक्कत है। और ड्राइवर साहब, आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत हो रही है? एक तरफ झुका रहता है, हर समय चलाते हैं तो डर बना रहता है कि गाड़ी पलटी नहीं खा जाए। तो आपने सुना इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, गाड़ी झुकी हुई रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी गाड़ी झुकी हुई है। मैं चक्का को दिखाता हूँ, आप देखिए गाड़ी कितनी झुकी हुई लग रही है। यहाँ देखिए चक्का का दूरी कितना कम लग रहा है, देख रहे होंगे आप। यही गाड़ी सब झुकी हुई है। उधर की मैं दिखाता हूँ, उस साइड का दिखा रहा हूँ। उस साइड देखिए बिल्कुल सही है, इसका हाइट बिल्कुल सही है। उस साइड कुछ ज़्यादा ही झुकी हुई थी, तो प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करता हूँ। आप वीडियो को पूरी देखेंगे, स्किप ना करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये आपको चक्का को खोलना होगा। इसके लिए मैं रिंच लाता हूँ, इसका रिंच से इस चारों को नट को, चार नट को आपको पहले खोल लेना है। उसके गोटी से सभी को आप ढीला कर ले। देखिए मैंने ढीला कर लिया है। सभी को आप ढीला कर ले अच्छी तरीके से। ढीला हो जाने के बाद इसमें आपको दस्त लगा करके इसको आपको उठाना होगा। देखा मैंने चक्का को उठा लिया है, इस तरह से आपको उठा लेना है। जैसे ही मैंने गाड़ी को उठाया, आप देख रहे हैं इसका डिस्टेंस का दूरी देखिए बढ़ गया है। जैसे ही मैंने उठाया गाड़ी को, प्रॉब्लम क्या ही मैं दिखा रहा हूँ। गाड़ी जब चलाती है ऐसे झुके रहने की वजह से डर बना हुआ रहता है क्योंकि गाड़ी पलटी ना खा जाए। जब गड्ढे में जाती है तो बहुत और भी समस्या हो जाती है। देखिए इस चक्के को मैंने खोल लिया है, तब मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं दिखाता हूँ यहाँ, आप देखिए, आप देख रहे होंगे चक्का भी यहाँ पे सट रहा है। यहाँ दाग देखिए, मैं चक्का को भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए चक्का भी लग रही है। चलिए मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये एक बैलेंस रड बना हुआ है, ये बैलेंस जो है ये रड थोड़ा सा ढीला है। देखिए जैसे मैंने उठाया है ये थोड़ा टाइट हो गया है, लेकिन जैसे मैं नीचे करूँगा ये पत्ती जब डाउन होगा तो ये जो है ढीला हो जाता है। तो देखा मैंने इसको जो है 24 के रिंच के द्वारा पहले इसको आप ढीला कर ले। यहाँ देखिए यहाँ 39 गुना इसमें रहता है, इस तरह का आप ढीला कर ले। और यहाँ एक बोल्ट यहाँ भी लगी हुई थे, उसको भी मैं ढीला कर देता हूँ। यहाँ देखिए ढीला कर ले। ढीला करने के बाद यहाँ देखिए एक कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम से इस ढंग से आपको इस टर्ना बोल्ट को अच्छी तरह से मिलाने के बाद यहाँ देखिए, तो फिर जाके इसको अच्छी तरह से आप इसको टाइट करें, फुल टाइट मारे, क्योंकि पत्ती के सपोर्ट के लिए होता है, ये पत्ती के सपोर्ट के लिए होता है। इस तरह से आपको टाइट मारना है। देख लीजिए यहाँ देखिए मैं फुल टाइट मार रहा हूँ, आपको भी फुल टाइट कर देना है। देखिए टाइट हो गया है, ऊपर से ये एक्स्ट्रा बोल्ट रहता है इसको आपको टाइट कर देना है। ये थोड़ा और टाइट होगा, देखिए इस तरह से आपको उसको टाइट कर देना है।
टाइट हो गया है। जैसे आप इसको इस तरह से टाइट मार दें, अब देखिए ये फुल टाइट हो गया है, ये चक्का भी नहीं लगेगा, इस तरह से मैंने लगा दिया है। लेकिन यहाँ चक्का बिल्कुल फ्री है। अब मैं चक्का लगाता हूँ, चेक करता हूँ। चेक करने के बाद आप ये फिर चक्का को लगा दें। आपने देखा वो बैलेंस रड था, उसी से बैलेंस होता है चक्का का, उसी वजह से जो है एकदम झुक चुका था गाड़ी। अब ये टाइट करने के बाद अब दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। जब भी इस तरह का फॉल्ट आए, अब इस तरह चक्का खोलने के बाद बैलेंस रड को चेक करें, अगर खराब हो तो बदल दे। उनका रड सही था, सिर्फ हल्का फॉल्स ढीला हो गया था, इसकी वजह से कमानी इसका ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे टाइट कर दिया है। अब मैं चेक करता हूँ गाड़ी उतार के। ये दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसी तरह से मैंने जब इधर टाइट किया तो उस साइड भी इसी तरह से मैं करके उसको दोनों को मिला दूंगा, क्योंकि उधर का ढीला नहीं है। फिर भी मैं उधर भी चेक कर लूंगा। जब भी करे दोनों तरफ को बराबर मिला दें, दोनों तरफ भी ढीला नहीं होना चाहिए, समझे। तो ऐसे आप जो है चार नट को फुल टाइट करें, ढीला बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि चक्का का नट है, ढीला बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यहाँ देखिए मैंने टाइट कर दिया है। इस तरीके से आप चारों को नट को टाइट कर दें। अब देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है, देखिए कहीं भी लगने की बात नहीं है। लगेगी तो आवाज़ करती है, बिल्कुल सही है। अब मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ हाइट भी अच्छा हो गया है, आप देख रहे हैं, दूरी भी अच्छी हो गई है, अब नहीं झुकेगी। मैं अब जो है ये कैप लगा देता हूँ। देखिए मैंने लगा दिया है। अब मैं जब उतारता हूँ, देखिए आप देख रहे होंगे चेक करने के बाद, यहाँ देखिए गैपिंग सही, बिल्कुल सही हो गया है। चलिए मैं उस साइड भी एक बार चेक करता हूँ। देखिए इस सेट का भी गैपिंग बिल्कुल सही है। फिर भी मैं बोल्ट चेक कर लेता हूँ, नीचे बोल्ट लगी हुई होती है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये भी देख रहे हैं, ये भी बोल्ट हल्का ढीला है। मैं इसे भी अभी टाइट कर देता हूँ, कि इसके लिए फिर चक्का खोलना पड़ेगा। अब देख रहे हैं मैं इसे भी टाइट करता हूँ, तो मैं इसका भी चक्का खोलता हूँ, फिर मैं इसको करता हूँ। इसके लिए भी ये आपको खोल लेना है। फिर से जब भी करें दोनों तरफ के आपको बैलेंस को मिलाना है, दोनों तरफ को बैलेंस को जब भी मिलाइए दोनों तरफ को मिला दीजिए। आपने देखा इस साइड का भी थोड़ा ढीला था, इस साइड भी कुछ ज़्यादा था, इधर कुछ कम है। मैं दोनों तरफ से मिला देता हूँ, जब भी मिलाइए दोनों तरफ को मिलाइए। आपने देखा आपने, मैं जिस तरह से उधर मैंने किया आप इधर भी कर सकते थे। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर आप जो है पूरी वीडियो बनाइए, लंबी हो कोई बात नहीं है, क्लियर करने के बाद ही वीडियो को छोड़े। इसलिए मैं आपको क्लियर ही कर रहा हूँ, इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। सेम चीज़ है, सेम वैसा ही प्रोसेस, जिस तरह से आपने उधर खोला उधर भी करना है। लेकिन कुछ लोगों को कमेंट की वजह से मुझे पूरी करनी पड़ रही है। आप यहाँ देखिए 24 का इंच लेकर के आपको इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल टाइट हो चुकी है। इस तरह से आप फुल टाइट मार दें, तो ऊपर भी एक नट लगी हुई है। देखिए आप देख रहे होंगे बिल्कुल नहीं हिल रहा है। आप देखिए ठोक के मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, बिल्कुल सही है। इस तरह से टाइट करने के बाद फिर आप ये चक्का अच्छी तरीके से लगा लें। मैं वीडियो को वहीं रोक सकता था, लेकिन आप लोगों के कमेंट की वजह से मुझे पूरा बनाना पड़ रहा है। तो सेम प्रोसेस है, जिस तरह से आपने
उधर किया, उसी तरह से आपको इधर भी करना था क्योंकि इधर कम ढीला था, तो मैंने उसे भी टाइट कर दिया है। अब ये गाड़ी बिल्कुल भी चलाने में कोई तक दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल गाड़ी नहीं झुकेगी, एकदम सीधा गाड़ी चलेगी। ड्राइवर साहब को गाड़ी चलाने में भी आसानी होगा, डर नहीं लगेगा। इस नट को ध्यान रखें, ये चक्का का नट है, इसलिए इसे आप फुल टाइट हमेशा मारे, जब भी फुल टाइट करें, रास्ता में बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। यहाँ देखिए इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट कर देना है फुल टाइट करके। देखिए मैं फुल टाइट मार रहा हूँ, मैंने फुल टाइट कर दिया। अब चक्का देखिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लग रहा है। और यहाँ मैं आपको फिर बैलेंस शर्ट दिखाता हूँ, आप बैलेंस शर्ट फिर से देखें, देखिए बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल नहीं हिल रही है। यहाँ देखिए ये बैलेंस शर्ट है, अगर टूट जाए, कभी कभी ऐसा होता है टूट जाता है तो आप इसे बदल दें, लेकिन ये बिल्कुल सही है। दोनों तरफ को मैंने टाइट कर दिया, उधर भी टाइट है और इधर भी टाइट है, यहाँ देख रही है, जब भी मिलाइए दोनों तरफ मिलाइए, इस तरह से फुल टाइट होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।